पार्ट थर्ड ईयर के विद्यार्थियों के लिए न्यूमेरिकल एनालिसिस टॉपिक के ऊपर हमारे वीडियोस आ रहे हैं। इन वीडियोस को आप लगातार देखिए। मैंने फॉरवर्ड डिफरेंस, बैकवर्ड डिफरेंस, शिफ्ट ऑपरेटर, रिलेशन बिटवीन दी रिलेशन ऑपरेटर्स एंड फैक्टोरियल फंक्शन और एरे डिफरेंस ऑफ फैक्टोरियल फंक्शन, इन पर हम लोग वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। लास्ट टाइम का वीडियो जो था हमारा वो मिसिंग टर्म्स को, वैल्यूज को फाइंड आउट करने का था। आज हम लोग डिफरेंसेस ऑफ जीरोस, शून्य के अंतर के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। हम जानते हैं कि फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल डेल्टा ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, ये डेफिनेशन है फॉरवर्ड टेबल ऑपरेटर की। जैसा कि नाम है शून्य के अंतर, तो यदि फंक्शन एफ एक्स को शून्य मान लें तो शून्य हमारा कॉन्स्टेंट हो जाता है, और कॉन्स्टेंट का हम जानते हैं कि वी नो दैट डेल्टा ऑफ सी कॉन्स्टेंट इक्वल टू जीरो। ये जो टॉपिक है आज का, ये डिफरेंसेस ऑफ जीरो, शून्य के अंतर मीन्स यदि मैं एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो ले लेता हूँ तो विच इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, और जीरो उसका डेल्टा ऑफ एफ एक्स, अगर मैं टेकिंग एफ एक्स इट इज जीरो जीरो, मीन्स हमारे पास यदि हम कॉन्स्टेंट फंक्शन काम में लेंगे तो ये डायरेक्टली जीरो है। इसलिए यदि हम लोग इसकी जगह पे टेकिंग एज एक्स डेल्टा इज टू एन एक्स इज टू एन, वेयर एन एंड एम आर पॉजिटिव इंटीजर्स, वेयर एन एंड एम आर पॉजिटिव इंटीजर्स, एन एंड एम आर पॉजिटिव इंटीजर्स, देन इट कन्वर्ट एज ई माइनस वन यूजिंग रिलेशन एक्स इज टू डेल्टा इक्वल्स टू ई माइनस वन या ई इक्वल्स टू वन प्लस डेल्टा, यूजिंग दिस रिलेशन डेल्टा विल बी कन्वर्टेड टू ई माइनस वन, एक्सपेंड बाय बाइनोमियल थ्योरम, एक्सपेंड बाय बाइनोमियल थ्योरम, दिस इंप्लाइज ई रेज टू एन माइनस एन सी वन ई रेज टू एन माइनस वन प्लस एन सी टू ई रेज टू एन माइनस टू माइनस एन सी थ्री ई रेज टू एन माइनस थ्री एंड सो ऑन प्लस माइनस वन रेज टू एन इन टू एक्स रेज टू एन। दिस इंप्लाइज ई रेज टू एन एक्स रेज टू एन माइनस एन सी वन e raised to n minus 1 x raised to n plus n c 2 e raised to n minus 2 x raised to n minus n c 3 e raised to n minus 3 x raised to n and so on plus minus 1 raised to n into x raised to n। इसको हमने x raised to n से इसको मल्टीप्लाई किया और यूजिंग दिस अगेन वी नो दैट डेफिनेशन ऑफ e raised to n शिफ्ट ऑपरेटर व्हिच इज इक्वल टू f ऑफ x plus nh, ये हमारे पास फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को यूज कर रहा हूं मैं, टेकिंग एज एच इक्वल टू वन, दिस इंप्लाइज इफ एच इक्वल टू वन एंड एन पर हमारे पास फॉर्मूला बनेगा एक्स प्लस एन होल रेज टू एन, एक्स प्लस एन एच, एक्स इज ए फंक्शन उसको हम यूज कर रहे हैं, एफ एक्स में हमारे पास एक्स रेज टू एन है, ई रेज टू एन एक्स रेज टू एन, दिस इंप्लाइज एक्स प्लस एन एच होल रेज टू एन, for taking h equal to 1, this is equal to x plus n whole raised to n, use kiya humne usi ko, taking h equal to 1, x is replaced by x plus nh because e raised to n, so n jo hamara power hai wo nh se multiply hoga aur x ki power jo hai hamare paas n hai, so x plus n whole raised to n minus n c 1 x plus n minus 1 whole raised to m, x plus e raised to n minus 1 है, n minus 1 into h, h equal to 1, so x plus n minus 1 whole raised to m, plus n c 2, x plus n minus 2 whole raised to m, and similarly, last term is minus 1 raised to n, x raised to m. This is the expansion of
delta raised to n x raised to m. This implies when you put x equals to 0, because we have find the value of differences of 0. शून्य के अंतर निकाल रहे हैं, शून्य का ये n वा अंतर है. दिस इज द एनर डिफरेंस ऑफ x raised to m. When you put x equals to 0, you get delta raised to n 0 raised to m. 0 is here function taking x equals to 0. This implies x equals to 0. This implies n raised to m. n raised to m minus nc1 x equals to 0. So n minus 1 raised to m plus nc2 x n minus 2 raised to m and so on. और लास्ट टर्म हमारी सजेस्ट पहले वाली टर्म जो होगी वो आएगी माइनस वन रेस टू एन ऑफ जीरो रेस टू एन. उस टर्म को नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ. जितनी पद आइए उसी रूप में आप उसको लिख दें. दिस इम्प्लाइज एन सी थ्री एन माइनस थ्री होल रेस टू एन एन सो ऑन. देयरफॉर वी हैव अ रिलेशन delta raised to n x raised to m taking x equals to 0. This implies n raised to m minus nc1 n minus 1 whole raised to m plus nc2 n minus 2 whole raised to m minus nc3 n minus 3 raised to m and so on. This is the relation when n x equals to 0. This is called differences of zeros. This is called differences of zeros. अब हम इसको use कैसे करते हैं पहले देखते हैं. Cases हैं इसके, when n equals to m, when n is greater than m, when n is less than m. There are three cases. m and n are integers. m and n are integers. So there are three values. There are three cases arise. If n equals to m, delta raised to m, x raised to m, x equals to 0, this implies, यदि दोनों बराबर हैं, this means this is your factorial m. ये बन जाते हैं, delta raised to m, x raised to m, पीछे previous वीडियोस में हमने प्रूव किया था डेल्टा रेस टू एन एक्स रेस टू एन इज फैक्टोरियल एन एच रेस टू एन. ये एच इक्वल्स टू 1, सो डेल्टा रेस टू एन एक्स रेस टू एन टेकिंग एक्स इक्वल टू 0, दिस इज योर फैक्टोरियल एन. व्हेन एन इज ग्रेटर देन दिस टाइम एन इक्वल्स टू एन. व्हेन एन इज ग्रेटर देन एम, यदि एन की वैल्यू एम से बड़ी है एक्स रेस टू एम, इफ एन इज ग्रेटर देन एम एक्स इक्वल्स टू 0, दिस इज द वैल्यू ऑफ 0. And third, at x raised to m, when x equals to 0, this is the value of the function using the formula. ये हम इस formula की सहायता से इसकी values निकालेंगे. तो आप देखिए, ये तीन cases arise if m and n are integers. यदि m और n धन ग्राहक के पूर्णांक हैं, तो x बराबर 0 लेने पर जीरो के डिफरेंस में यदि n इक्वल्स टू m हो तो हमारे पास इसकी वैल्यू फैक्टोरियल n की इक्वल होगी. यदि n का मान m के मान से बड़ा है तो इसकी वैल्यू 0 होगी, और यदि इसका मान छोटा है तो हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी यूजिंग दिस फॉर्मूला. देन फॉर एग्जाम्पल हम इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा स्क्वायर ओ क्यू. वी हैव गिवन द वैल्यू डेल्टा स्क्वायर ओ क्यू. हियर एन इक्वल टू 2, एम इक्वल टू 3. सो एन इज 2, देयरफॉर थर्ड केस व्हेन एन इज ग्रेटर देन एन इज लेस देन m, then the value will be calculated. So, आपको क्या है कि इसकी value निकालनी होगी.
n का मान m से छोटा है क्योंकि n is 2, m is 3. According to this formula, put here n equals to 2, n equals to 2, m equals to 3, 2 raised to cube minus n is 2 to 2 c 1, 2 minus 1 whole raised to 3, m is 3, then plus 2 c 2, 2 minus 2 whole raised to 3. This implies 2 raised to 2 means 8, minus 2 into 1 raised to cube minus plus 2 into c 2, the value will be 1, or this is your 0. This implies 8 minus 2, which is equals to 6. This is the answer. Then find out the value of similarly second example. Example number 2. Find out the value of delta raised to 4 over raised to 5. Delta raised to 4 over raised to 5. Here n equal to 4, m equal to 5. So n is less than m. This implies value will be calculated. Put here in this formula n equals to 4, m equals to 5. So 4 raised to 5. 4 raised to 5. Minus 4c1, 4 minus 1 raised to 5, plus 4c2, 4 minus 2 raised to 5, minus 4c3, 4 minus 3 raised to 5, and then plus 4c4, 4 minus 4 raised to 5. Using this formula, when n equals to 4 and m equals to 5, we know that the case number 3, when n is less than equal to m, this implies that the value will be calculated. Put n equals to 4, because the example is to find out the value of delta raised to 4, 0 raised to 5. 0 means here differences of zeros are part of 0 function. So taking n equals to 4, m equals to 5, we get this. Therefore, 4 raised to 5 means 4 into 4 into 4 into 4 into 4, 5 bar. Minus 4 c1 is 4 into 3 raised to 5, 3 into 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 5 plus 4 c2, 4 c2 means 4 into 3, 2, 6 into 2 raised to 5, 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 5 minus 4 c3, 4, 3, 2 or 3, 2, 1 means हमारे पास आ गया 4 और 1 raised to 5, 3 into 1 plus 0, last term is 0. Therefore, solve करें 16 into 16 into 4, 16 into 16 या 64 into 16 multiply करें. Minus 3 को मल्टीप्लाई करें, 3 3 से 9, 9 से 27, 27 3 से 81, 81 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 243. तो 4 सेकंड मल्टीप्लाई करते हैं इसको, 3 3 से 9, 9 3 से 27, 27 3 से 81, 81 into 3, तो 243 into 4, 4 3 12, 4 3 16, 17, 4 3 8, 972. This is your 972 plus 4, 8, 16, 32. 32 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 12, 11, 12, 19, 192. 192 is minus 4. कैलकुलेशन चेक कर लें, देन इनको ऐड कर लीजिए, दिस इज 192 प्लस में 6, 15 और 7, 8, 1154 माइनस 972. 976 इस पूरा को ऐड करिए,
976 माइनस कर लीजिए 0 8 और 17 में से 9 यहां पर ठीक है जी. फाइनल आंसर इज 880. कैलकुलेट कर लीजिए ये वैल्यूज होगी इसका आंसर निकाल लीजिए. सिमिलरली इफ n इक्वल्स टू 4 n इक्वल्स टू 4 मींस यदि अपने पास के दोनों वैल्यूज हैं m आर इक्वल डेल्टा इज टू n और s टू n इक्वल और s टू n या इसको अपन तीनों केसेस देखते हैं. दिस इज n इक्वल्स टू m मींस फैक्टर n डेल्टा इज टू n और s टू m इक्वल टू 0 इफ n इज ग्रेटर देन m एंड डेल्टा इज टू n और s टू m equal to value if n is less than n. third cases के example हमने देखे हैं. अब आप लोग example next example देखें. if n is greater than n, if n is greater than n, then the find the value of delta 4 o 3. next value example है हमारा delta 4 o 3 n equals to 4 और n equal to 3. My second case, n is greater than m, means this shows that the value is 0. You can write it actually 0. If you want to calculate, यदि आप इसको calculate करना चाहते हैं, तो आप यहाँ देखें, n equal to 4 raised to 3, 4 raised to 3, minus 4c1, then 4 minus 1 raised to 3, plus 4c2. 4 minus 2 raised to 3 minus 4c3 4 minus 3 raised to 3 and last is c4 4 minus 4 is raised to 0 3 means हम जब इसको calculate करेंगे तो इसकी value 0 आ जाएगी according to this definition. therefore third is when delta square o 3 third case निकाले हम डेल्टा स्क्वायर ओ थ्री तो जो भी हम लोग कर रहे थे उसी चीज़ का एग्जाम्पल हम कर चुके हैं पहला एग्जाम्पल एंड आप इसकी सहायता से बुक में जो दिए गए हैं उन एग्जाम्पल्स का इसका मान निकालें और इसकी सहायता से आप आगे इसका वैल्यू निकाल सकते हैं. एन इज ग्रेटर देन एम पर इसकी वैल्यू 0 होगी. एन इज ग्रेटर देन एम पर इसकी वैल्यू 0 होगी. थैंक यू. फिर इसके आगे के जो रिलेशंस हैं इसके आर्टिकल पूरे हो चुके हैं इस चैप्टर के. नेक्स्ट जो हमारे पास हो गए इसके कुछ एग्जाम्पल और कुछ प्रूफ के क्वेश्चंस हम प्रूव करेंगे. आगे के वीडियोस में आप इसके प्रूफ वाले क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे और उसको आप इसकी बुक में जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनका उनकी सहायता से आप इसको सॉल्व करें. थैंक. आज छोटा वीडियो है क्योंकि आर्टिकल छोटा.